ना कम से गामा रे एमिशन। दैट्स राइट। फॉर मेनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स द एमिशन ऑफ एल्फा रे और गामा और बीटा पार्टिकल इज फॉलोड बाय द एमिशन ऑफ अ गामा रे। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही गामा निकलेगा। बहुत से ऐसे रिडक्टिव एलिमेंट होते हैं जो डिसइंटीग्रेट होते हैं बिना गामा रे के। होता क्या है, सपोज कोई एक्स एलिमेंट है, सीरीज ऑफ अल्फा एमिशंस के बाद वाई बन गया, ए माइनस एन टाइम्स ऑफ फोर, हर बार चार की कमी आएगी ना, जेड माइनस एन टाइम्स ऑफ टू, और उसके बाद बीटा एमिशन हो गया, सपोज जेड बन गया ए माइनस एन टाइम्स ऑफ फोर, क्योंकि ये तो कम होता नहीं बीटा में, बीटा में ये बढ़ जाता है। अगर मैं बीटा माइनस की बात करूँ, एन टाइम्स ऑफ टू प्लस एन टाइम्स ऑफ वन दैट इज बीटा, तो हो सकता है कि इस वक्त इतना होने के बाद ये एक एक्साइटेड स्टेट में हो। इस स्टार का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। जिस तरीके से आपका जो एटॉमिक हमने स्पेक्ट्रम बनाया था, जिसमें एन इक्वल टू वन था, फिर एन इक्वल टू टू था, और इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। यहाँ तो ग्राउंड स्टेट है, यहाँ तो एक्साइट है ही नहीं। इसे बोलते हैं एन इक्वल टू थ्री को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए इन एक्साइटेड स्टेट से लौट कर आता है। और ये चीज़, ये प्रोसेस जो है बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि वन पे गुजार रहा हूँ तो इलेवन सीरीज में आते हैं। बिल्कुल इस तरीके से एक न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी स्टेट्स होते हैं। जब इस तरीके का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है कि अल्फा निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, क्या पता बीटा हो ही नहीं, सिर्फ अल्फा ही हो, तो या पता हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स में सिर्फ बीटा ही होता हो। ऐसा होने के बाद अक्सर ज्यादातर यह कर देखा जाता है कि जो बचा हुआ न्यूक्लियस है, इट्स इन एक्साइटेड स्टेट, मीन्स द न्यूक्लियस इज इन सम हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट। और ऑब्वियसली टू गेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी, इट एमिट्स रेडिएशन कॉल्ड द गामा रेडिएशन। अब गामा रेडिएशन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में कोई चीज बदलती नहीं है, ये केवल एनर्जी को कम कर देता है और स्टेबिलिटी की तरफ चला ले जाता है हमारे न्यूक्लियस को। अब यहां पे एनर्जी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, उसके पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें कि गामा रे एमिशन ऑलवेज टेक्स आफ्टर बीटा, ऑलवेज टेक्स आफ्टर बीटा पार्टिकल हैज बीन एमिटेड। और दूसरी बात कि गामा रे में या गामा रेडिएशन में एमिट बिफोर एन अल्फा रे एमिशन या अल्फा पार्टिकल एमिशन, यहां पे पहले भी हो सकता है पार्टिकल एमिशन, बट मोस्टली गामा रेडिएशन इज एमिटेड आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। मोस्टली होता यही है, नेचुरल प्रोसेस, मतलब मेजोरिटी में होता दूसरा वाला केस है, बता रहा हूँ। मोस्टली गामा रेडिएशन इज एमिटेड आफ्टर द अल्फा पार्टिकल हैज बीन एमिटेड। और ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना, जिस तरीके से एटम की एक एनर्जी स्टेट्स होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस की अपनी एनर्जी स्टेट्स होती हैं। लैमन बैलो पैशन ब्रैकेट तो नहीं बोला जाता उनको, उन सीरीज को, लेकिन होती हैं, दैट न्यूक्लियस कम्स इनटू सम लोअर एनर्जी स्टेट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ गामा रेडिएशंस। गामा रेडिएशंस, ये बात ध्यान रखें कि ये सब चीजें जो हैं सिर्फ इस साल के लिए हटाई गई हैं,
सिर्फ इस साल, नहीं तो ये आप क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि आप कोबाल्ट के लिए बीटा एमिशन बताइए और एनर्जी स्टेट गामा रेडिएशन का डायग्राम बना के दिखाइए, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते थे। और ये बहुत ही इजी चीजें हैं, एक बार पढ़ लिया थ्योरी है, इस पे सोचना नहीं है, डायग्राम रट के जाना है, लिख देना है। तो एक तरह से ये ड्रॉबैक है, जो बचा हुआ पोर्शन जो सिलेबस में दिया है इस साल के लिए सिर्फ, उसमें सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। एनीवेज, एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाने जा रहे हैं गामा रेडिएशंस का, तो हम आपके सामने मैग्नीशियम का बनाएंगे, बीटा एमिशन दिखाएंगे उसमें, अल्फा से मतलब नहीं है अभी, और निकल का दिखा सकते हैं, कोबाल्ट, एक्चुअली कोबाल्ट का होगा, और बोरॉन का, ये तीन बना के दिखाएंगे। और हम ये दिखाएंगे कि हो सकता है कि बीटा एमिशन दो स्टेजेस, मतलब एक स्टेज में नहीं, दो स्टेजेस में हो। जैसे कि कहने का मतलब ये है मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इफ द एक्साइटेड न्यूक्लियस हैज मोर देन वन लोअर एनर्जी स्टेट्स देन इट कैन आइदर डायरेक्टली रीचेज द लोएस्ट स्टेट, रीचेज द लोएस्ट स्टेट, और ग्रेजुअली थ्रू और ग्रेजुअली थ्रू वेरियस लोअर एनर्जी स्टेट, वेरियस लोअर एनर्जी स्टेट। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर वन, दैट इज ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम पे बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, दैट विल बिकम एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम कितना होता है, 27 12, ठीक है। ये वाला हम ले रहे हैं मैग्नीशियम का आइसोटोप 27 एंड 12, एंड क्योंकि बीटा पार्टिकल में सिर्फ नीचे वाला टर्म बढ़ जाता है, पूरी इक्वेशन जरूर लिखें, प्लस अ एंटी न्यूट्रिनो, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, एंड द एनर्जी इज 1.015 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देर इज अनदर ट्रांजिशन विच कैन टेक प्लेस ऑफ मैग्नीशियम इंटू एल्यूमिनियम, ऑब्वियसली ये अभी एक्साइटेड स्टेट में, बिकॉज दे हैव दिस मच एनर्जी, और ये लूज करेंगे इस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ गामा, जो कि मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर्म में दिखाऊंगा। एंटी न्यूट्रिनो 0.834 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो एनर्जी स्टेट्स हैं जिसमें एल्यूमिनियम जा सकता है, एक ये है, एक ये है। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे दिखाते हैं वो ध्यान से देखिए, मैं जरा दूसरा पेन ले लूँ, दिखने में अच्छा लगेगा। ये है एन इक्वल टू जीरो, सॉरी एन इक्वल टू वन, आप चाहे तो जो उस तरीके से मार्क कर सकते हैं, चाहे तो ना भी मार्क करें, लोअर ले लेते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एक्चुअली। यहाँ पे एनर्जी कितनी है, हम कह रहे हैं जीरो, और किसी रिलेटिव में ले रहे हैं, ठीक है। हम जैसे -13.6 लेते हैं, उस तरीके से नहीं ले रहे हैं, रिलेटिव ले रहे हैं कि नीचे का जीरो है। ये एनर्जी स्टेट जो है, ये है 0.834 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी स्टेट जो है वो है 1.015 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इन एनर्जी स्टेट में ये एल्यूमिनियम लाय करता है, और सबसे ऊपर जो है वहाँ वहाँ से अभी बीटा एमिशन होके आ रहा है, यहाँ मैग्नीशियम है, ओके। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है 27 12 वाला। अब सबसे पहले तो बीटा एमिशन होगा, बीटा माइनस, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, स्टार लगा दें, विथ एन एनर्जी 1.015, और बीटा पार्टिकल निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी निकल गया। या ये हो सकता है कि ये इधर आए, इस वाली बीटा एमिशन के थ्रू आए, यहाँ पे एल्यूमिनियम भी एनर्जी स्टेट में है, और यहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस एंटी न्यूट्रिनो निकल गया, यहाँ से ये अपनी आपको स्टेबल करेगा बाय रिमूविंग अ गामा रे एज अ फोटॉन, कितनी एनर्जी के साथ, जो है 1.015
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ फोटोन निकलेगा और एल्यूमिनियम आ जाएगा, लोएस्ट एनर्जी स्टेट स्टेबल हो जाएगा, या इसके पास कितनी एनर्जी, 0.834, यहाँ से ये निकलेगा, इट विल रिलीज अ फोटोन एंड इट ऑल्सो हैव एनर्जी इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हमने आपको मैग्नीशियम का दिखाया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से ही अब आपको हम अगला दिखाते हैं कोबाल्ट का। अब बनाना आ गया आप होगा आपको, तो कोबाल्ट के लिए इक्वेशन लिखते हैं, कोबाल्ट 60:27 चेंजेस टू निकल इन एक्साइटेड स्टेट 60:28। ध्यान रखना बढ़ाते हैं, +1 -1, पॉजिट्रॉन की रिएक्शंस में ले नहीं रहा अभी, प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इसमें दो बीटा एमिशन नहीं दिखा रहा हूँ, इसमें दो अलग फॉर्म में फोटॉन्स निकलेंगे, जैसे कि फिर से आई टेक अ डिफरेंट कलर, ये हमारा लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है जहाँ पे एनर्जी जीरो है, यहाँ पर 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे यहाँ ले लेते थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम कोबाल्ट को दिखा देंगे, 2.50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ कोबाल्ट है 60:27। लेट्स सी नाउ, तो पहले कोबाल्ट क्या करेगा, बीटा पार्टिकल निकालेगा, निकाल दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाला और एंटी न्यूट्रिनो निकाला, और क्या बन गया, निकल स्टार फॉर्म में, यानी कि ये अभी एनर्जी स्टेट में है। ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ रिमेनिंग एनर्जी, कितनी, 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो डिफरेंस क्या है, अभी 2.5 है, कितनी हो गई, 1.33। ध्यान रखें डायरेक्ट भी कर सकता है, और इसके बाद फिर से ये अपनी एनर्जी छोड़ेगा। तो ये मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिया जिसमें डायरेक्ट नहीं आ रहा है, थ्रू इंटरमीडिएट स्टेट्स आ रहा है, ये फोटोन निकला और रिमेनिंग एनर्जी भी इसने छोड़ दी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, ठीक है। अब आप बोरॉन भी देख सकते हैं इस तरीके से, आइए बोरॉन बना के दिखाते हैं, उसे दो काफी हैं फिर भी देख लेते हैं। बोरॉन 12.5 कन्वर्ट्स टू कार्बन 12.6, हम दिखा रहे हैं आपको, ये +1 होता है हमेशा, इलेक्ट्रॉन निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, और हो सकता है कि बोरॉन एक अलग बीटा रिएक्शन के थ्रू भी जाए, यहाँ पे जो एनर्जी इसके पास रहेगी वो करीब करीब 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे निकलने के बाद 0 -1 +, यहाँ पे पूरी एनर्जी अपनी लूज कर चुका होगा, जितनी भी एनर्जी थी इस वाले स्टेप में, तो इसके बाद अब कोई एनर्जी नहीं रहेगी, डायरेक्टली स्टेट पर आ जाएगा। यहाँ पे तो हम स्टार बना रहे हैं, यहाँ पे इसके पास कोई एनर्जी नहीं रहेगी। ये मैं जो एनर्जी लिखता हूँ उसका मतलब होता है इस वक्त एनर्जी क्या है, और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा फोटोन बाहर निकल जाएगी। आइए इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी डायग्राम ज्यादा क्लियर करता है चीजें। जीरो है, यहाँ पे एनर्जी करीब करीब 9 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे 13 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बोरॉन 12.5, और बीटा पार्टिकल निकालता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटर न्यूट्रिनो एंड कम्स टू 9, ओ सॉरी मैंने 9 यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ 4 होना चाहिए ना, ठीक है। तो 9 निकल गई है ना, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन निकल गई, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज द गामा रेडिएशन, इसको गामा रे फोटोन भी बोलते हैं, ये निकल गई, ठीक है। अभी 4 बची है, तो 4 को ऐसे इन पार्ट्स भी निकाल सकता है ना, ये भी एक गामा रे फोटोन निकल सकता है ऑफ एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ये प्रोसेस डायरेक्टली भी होती है, डायरेक्ट बीटा एमिशन, नो गामा रे फोटोन हैज बीन इज कमिंग आउट। तो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कुछ एनर्जी, कुछ रिएक्शंस में कोई गामा रे फोटोन ना निकले, तो डायरेक्ट बीटा एमिशन हुआ, वो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि पूरी एनर्जी जो है वो 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वो पूरी बाहर निकल जाती है। दैट इज ऑल अबाउट गामा रेडिएशंस, और प्रॉपर्टीज तुमको पता ही है गामा रेडिएशंस की, दैट इज द एंड ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस या पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस।